हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज लता और बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज के टू थ्री फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव वेयर क्यू इज सम इंटीजर तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर और जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर होती है बट बी से लेस होती है तो लेट कर लेते हैं लेट ए एंड एंड बी आर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए यूक्लिड बाई यूक्लिड डिवीजन लैमा बाई डिवीजन लैमा दे आर एग्जिस्ट क्या होगा क्यू एंड आर तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लैमा ए इजकल्स टू क्या लिख सकते हैं ए इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन वन हेयर लेट बी को कर लेते हैं बी कितना है हमारा ये सिक्स तो अगर बच्चों बी हमारा सिक्स हुआ तो जीरो लेस देन इक्वल टू सॉरी आर लेस देन इक्वल टू बी होगा तो ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी कितना है सिक्स तो मीन्स जो आर की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है आर की वैल्यू कितनी हो होगी हमारी अब इसको इस पार्ट को लिख लेते हैं ए इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं सिक्स क्यू प्लस आर और आर क्या है आर या तो ज़ीरो होगा या तो वन टू थ्री फोर या फाइव लेस देन सिक्स मतलब सिक्स से लेस ज़ीरो से लेके लेस देन सिक्स तक ज़ीरो से लेके फाइव तक जो है वो आर की वैल्यू है तो हमने क्या करना है बारी बारी से आर की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे उसको नंबर वन नेम दे देते हैं इसको नंबर वन नेम दे देते हैं पुटिंग पुटिंग आर इजिकल्स टू ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव इन वन वन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ए इजिकल्स टू कितना आ गया बच्चों सिक्स क्यू प्लस आर कितना आ गया जीरो तो सिक्स क्यू सिक्स क्यू अब जीरो प्लस कर रहे हैं तो क्या ये टू से डिवाइड हो रहा है सिक्स यस yes. तो ये क्या आ गया इवन ये इवन आ गया इवन इंटीजर इवन पॉजिटिव इंटीजर अब बी ए इजिकल्स टू सिक्स क्यू प्लस वन बारी बारी वैल्यू पुट करनी है अब वन पुट कर लो अब मैंने बच्चों प्रीवियस वीडियोज बेसिक मैथ से रिलेटेड बना के रखी हुई है ऑड ऑड और, और, और इवन नंबर की ये हमारा इवन नंबर है इवन में ऑड नंबर प्लस किया वन प्लस किया तो हमारा क्या आ गया ऑड तो दिस इज अड ऑड नंबर अब ए इजिकल्स टू सिक्स क्यू प्लस टू अब ये भी टू से ये भी टू से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आ गया इवन अब यहाँ पे ये टू से डिवाइड हो रहा था ये टू से डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए ये ऑट हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं अब ए इजकल्स टू सिक्स क्यू प्लस थ्री अब ये टू से डिवाइड हो रहा है ये टू से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया ऑट अब ए इजकल्स टू सिक्स क्यू प्लस फोर अब ये टू सिक्स जो है वो टू से डिवाइड हो रहा है फोर भी टू से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो गया इवन अब ए इजकल्स टू सिक्स क्यू प्लस फाइव टू से डिवाइड हो रहा है सिक्स एंड फाइव टू से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या हो गया ऑड तो हमने बच्चों प्रूव क्या करना था कि हमने ये शो शो करना था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इज ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एनी पॉजिटिव ऑर्ड इंटीजर्स जो है वो किस फॉर्म में है सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव तो हमने ये शो कर दिया ये देखो ये भी ऑर्ड आ रहा है ये भी ऑर्ड आ रहा है ये भी ऑड आ रहा है ये ही हमने बच्चों शो करना था तो हम क्या लिख सकते हैं दिस इम्प्लाईज सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव आर odd integers ठीक है एंड दिस वन इंटीजर्स हैंड प्रूफ यही प्रूव करना था हैंड प्रूफ अब बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है थर्ड क्वेश्चन एन आर्मी कंटीनजेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन मेंबर्स इज टू march behind an army band of 32 members in a parade the two groups are to march in the same number of column what is the maximum number of column in which they can march Means बच्चों मैक्सिमम नंबर पूछा है अगर यहाँ मिनिमम नंबर पूछा होता तो हम हमने एलसीएम निकालना था अगर मैक्सिमम नंबर पूछा होता है तो हमने क्या निकालना होता है एच सी एफ कॉमन फैक्टर तो किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन और थर्टी टू का अब इन दोनों का बच्चों हमने क्या निकालना है एच सी एफ अब विच इज ग्रेटर थर्टी टू लेस देन है सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन सिक्सटीन इज सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन इज ग्रेटर अब इसका सीधा ही एस सी एफ निकाल दो तो इस डिवीजन मेथड से डिवीजन एल्गोरिदम से निकालना है थर्टी टू सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन अब थर्टी टू वन जा थर्टी टू ये आ गया नाइन एंड फाइव माइनस थ्री टू एंड ऊपर से सिक्स उठा लिया अब थर्टी टू नाइन सा टू हंड्रेड एटी एट ये आ गया हमारा एट अब जो डिवाइजर डिवाइजर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा है रिमाइंडर आ गया अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से समझाया था उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है अब डिवाइजर इस डिवाइजर को पिछले वाले डिवाइजर से हमने क्या करना है डिवाइड करना है इस डिवाइजर से पिछले वाले डिवाइजर को हमने डिवाइड करना है तो थर्टी टू एट फोर जार थर्टी टू तो एस सी एफ एस सी एफ ऑफ थर्टी टू एंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन कितना आ गया हमारा जिससे कंप्लीट डिवाइड होता है वो हमारा क्या होता है एस सी एफ तो इजिकल्स टू आ गया एट तो बच्चों क्या पूछा था हमने व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ column is equals to 8 that is our required answer now question number four use euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers m मीन्स यूक्लिड डिवीजन लामा का हमने यूज करना है मीन्स एज बी क्यू प्लस आर और उसमें जो हमारी वैल्यूज आएगी पॉजिटिव इंटीजर्स जो आएंगे उनका मतलब ए का जो स्क्वायर आएगा इस फॉर्म में होगा थ्री एम या थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में होगा तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों करते हैं प्रूफ এণ্ড বিৰ পিটিৱ ইটিজৰ্ পিটিভ ইণ্টিজৰ্ দেন বাই বাইকিডি ডিভিজন লেমা বাইকিড ডিভিজন লেমা ए इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर एंड जीरो हेयर लेट की वैल्यू हमने कितनी ले लेनी है थ्री तो बच्चों अगर हमारा बी जो है वो थ्री आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं ए इजिकल्स टू थ्री क्यू प्लस आर एंड आर की वैल्यू क्या होगी बी से लेस होगी जीरो से लेके बी बी से लेस मीन्स बी बी कितना है हमारा थ्री तो आर कितना होगा जीरो होगा वन होगा एंड टू होगा थ्री नहीं होगा क्योंकि आर की वैल्यू जो वो, वो क्या है थ्री से लेस तो अब क्या करना है बच्चों हमने इसको नंबर वन नेम दे देना है जैसे क्वेश्चन नंबर टू में किया तो पुटिंग बारी बारी हमने पहले ज़ीरो पुट करना फिर वन फिर टू पुटिंग आर इजिकल्स टू ज़ीरो वन टू इन वन एंड एंड स्क्वायरिंग और साथ में हमने स्क्वायर भी कर देना है तो ए इजिकल्स टू पहले ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ गया थ्री क्यू अब थ्री क्यू आ गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्योंकि हमने आंसर जो निकालना है स्क्वायर की फॉर्म में निकालना है क्वेश्चन में स्क्वायर की फॉर्म में ही पूछा है तो ए स्क्वायर कल्स टू थ्री क्यू स्क्वायर तो कितना आ गया ए स्क्वायर कल्स टू नाइन क्यू स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कल्स टू थ्री बाहर कॉमन निकालो एंड थ्री क्यू स्क्वायर तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इजकल्स टू थ्री एम वे एन एम इजकल्स टू थ्री क्यू स्क्वायर ठीक है बच्चों अब नाउ वैल्यू जो है वो वन पुट करनी है तो ए स्क्वायर इजकल्स टू थ्री क्यू प्लस वन वन वैल्यू पुट कर दी वन वैल्यू ए इज कल्स टू थ्री क्यू प्लस वन अब करनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट हमें क्या मिल रहा है ए स्क्वायर इज कल्स टू थ्री क्यू प्लस वन स्क्वायर अब बच्चों सभी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्र किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये आ गया ए स्क्वायर इजगल्स टू ए स्क्वायर मीन्स नाइन क्यू स्क्वायर टू ए बी सिक्स क्यू प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है एंड ए स्क्वायर इजगल्स टू कॉमन निकालो इन दोनों में कॉमन क्या है थ्री कॉमन निकालो ये आ गया नाइन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यू भी कॉमन है बट बच्चों हमने क्यू को नहीं निकालना है अब ए स्क्वायर इजगल्स टू थ्री थ्री एम प्लस वन वेयर एसिल करो साइड में एम इजिकल्स टू एम की वैल्यू क्या है नाइन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू अब नाउ किसकी बारी आ गई ए इजिकल्स टू थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस किसकी वैल्यू पुट करनी है टू अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से करनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो ए स्क्वायर इज कल्स टू थ्री क्यू प्लस टू होल स्क्वायर एंड ये आ गया नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस फोर क्या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आया बच्चों यहाँ साइड में करके बताती हूँ ए स्क्वायर थ्री क्यू का स्क्वायर टू ए बी टू ए कितना है बी कितना है प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर तो इसको सॉल्व करके हमारा इसको सॉल्व करके ये आया एंड व्हाट इज कॉमन कॉमन से पहले कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी थ्री क्यू प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस थ्री प्लस वन अब कॉमन क्या है थ्री तो यहाँ आ गया थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन एंड बाहर बच गया वन एंड ये आ गया थ्री एम प्लस वन मीन्स यहाँ पे थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन इजिकल्स टू हमने एम कंसीडर किया तो बच्चों जैसे क्वेश्चन में हमें हमसे क्या पूछा था कि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किस फॉर्म में है थ्री एम या थ्री एम प्लस वन की फॉर्म है इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं आएगी ए के स्क्वायर की तो बच्चों हमने यही निकाला ए स्क्वायर क्या आ रहा है 3M 1. यहां भी ए स्क्वायर कितना आ रहा है थ्री एम प्लस वन और ए स्क्वायर क्या आ रहा है थ्री एम बस यही फॉर्म आ रही है चाहे कितना भी कितने भी नंबर्स तक स्क्वायर करने मीन जीरो वन टू तक स्क्वायर करने से हमें ये मिल रहा है hence, hence proved. अब बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर फोर था उसी ही की तरह क्वेश्चन नंबर फाइव भी हमारा वैसे ही है बिल्कुल डिक्टो आपने वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर फोर को किया यहाँ बी की वैल्यू जो है आपने कितनी रखनी है थ्री लेट करनी है थ्री यहाँ पे जैसे थ्री का कोई भी मल्टीपल हो जैसे यहाँ पे थ्री का मल्टीपल नाइन आ रहा है तो भी वैल्यू हमने क्या लेनी है बी की थ्री लेनी है अगर यहाँ पे ट्वेंटी सेवन होता तो भी हमने थ्री ही बी की वैल्यू को कंसीडर करना था सीबीएसई बोर्ड में ऐसा एग्जाम फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ पे बी कितना लेना है आपने थ्री और बिल्कुल सेम यहाँ फोर की क्वेश्चन नंबर फोर की तरह निकालना है और यहाँ पे ए क्यू की जो वैल्यू है क्या लिखा है यूज़ इक्वली डिविजन लैमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म नाइन एम नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट मीन्स इक्वली डिविजन लैमा का यूज करना है और ए क्यूब की वैल्यू ए किसकी फॉर्म में आ रही है इस फॉर्म में आ रही है तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है अगर आपने खुद कर लिया धन okay. ओके नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल दूँगी अपलोड कर दूँगी आपने कमेंट करके बोलना है कि बताना है कि क्वेश्चन नंबर फाइव आपने सॉल्व कर लिया कि नहीं किया अब सभी को एक, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों आपको बता देती हूँ ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है साथ में आइकन well भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग